मृत्यु का भय अवश्य दहल जाएगा उसका हृदय आपके काल रूप के दर्शन से। मृत्यु का भय बहुत बड़ा होता है यमराज जी, उस अधर्मी को आप अपने इस मृत्यु काल रूप का दर्शन दीजिए, कहिए कि उसका अंत समय आ गया है। अवश्य ही भयभीत हो उठेगा वो कि बिना मृत्यु बाण के उसका अंत समय कैसे आ सकता है, और तब वो स्वयं हमें अपने मृत्यु बाण तक लेकर जाएगा। आ हनुमान, युक्ति तो अच्छी सुझाई है तुमने, मैं शीघ्र ही जाकर उसे दर्शन देता हूं। मेरा यह अस्त्र तुम्हें तुम्हारे काल के दर्शन करा देगा। लो, अकस्मात ही क्या होने लगा, तो कालदेव है मृत्यु काल रूप में। ये कैसे संभव है, मेरी मृत्यु का बाण तो मेरे पास ही सुरक्षित है। ये सब क्या होने लगा अकस्मात ही? ये रावण एकाएक भयभीत कैसे हो उठा? यमराज, तुम मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते क्योंकि मेरी मृत्यु का बाण मेरे पास ही सुरक्षित है। रावण, अब तुम्हारे अंत का समय आ गया है। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, असंभव है ये। ये कैसे हो सकता? तो लंका के राजभवन की ओर बढ़ गए हैं। कहीं यमराज मेरी मृत्यु का बाण लेने के लिए तो लंका नहीं जा रहे? मैं कदापि ऐसा नहीं होने दूंगा, मुझे शीघ्र जाकर देखना चाहिए। अब तुम्हें मृत्यु के मुख में जाने से कोई नहीं बचा सकता। मेरा अंत कभी नहीं हो सकता, उससे मेरी मृत्यु का बाण कोई नहीं छीन सकता। भले ही रावण बारंबार जीवित होता रहे, किंतु मेरे प्रहार नहीं रुकेंगे। रावण, तुम कितना भी मायावी धूम्र से स्वयं को छुपा लो, मेरी दिव्य दृष्टि से नहीं बच पाओगे तुम। हम्म,
तो इस धूम्र के पीछे छुपकर ये राक्षस अपनी माया से दो रूप बना रहा है, जिससे कि एक रूप यहां युद्ध करता रहे और दूसरा रूप मृत्यु बाण तक जा सके। तो मेरी युक्ति में तुम फंस ही गए रावण, तुम स्वयं मुझे उस मृत्यु के बाण तक लेकर जाओगे। रावण के इन दोनों रूपों में भेद करना कठिन है कि कौन वास्तविक रावण है एवं कौन मायावी रावण। रावण, बहुत चतुर समझते हो ना स्वयं को, किंतु मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। क्या देख रहे हो वनवासी, बहुत प्रहार कर लिए तुमने, अब मेरा भी प्रहार देखो। रावण, तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। हनुमान के बुद्धि बल का ही परिणाम है ये, जो रावण स्वयं मृत्यु बाण तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। क्या रावण अकस्मात ही कहां लुप्त हो गया? अब मृत्यु बाण के इतने निकट आकर भी कहीं सारा किया हुआ व्यर्थ ना हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, रावण को मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा। वो है लंकेश, किंतु वो मायावी छिद्र तो बंद हो रहा है। उस छिद्र के बंद होने के पूर्व ही मुझे उसके पार जाना होगा। लाए प्रयोग कपी चतुराई, जामह लंकेश उलझाई, मृत्यु बाण प्राप्ति के लाए, अंजनी नंदन युक्ति लगाए। रावण मार्ग स्वयं की प्रशस्ता, हनुमत आगे कोसी विवशता, बजरंगी जब बुद्धि लड़ाई, दुर्गम काज सुगम हो भाई। रावण, तुम हनुमान को अपने मृत्यु बाण तक ले ही आए,
मेरे मृत्यु बाण तक मेरे अतिरिक्त कोई अन्य पहुंच ही नहीं सकता। यही होगा मेरा मृत्यु बाण। कोई नहीं है, कदाचित भ्रम हो गया था मुझे। तो ये है रावण की मृत्यु का बाण। मैं जानता था मेरे इस मायावी गुप्त स्थान से इसे कोई नहीं ले जा सकता। पूर्णता ठीक की स्थिति में है ये। अब जाकर उस वनवासी को समाप्त करता हूं। बहुत अस्त्र चला लिया उसने। अब रावण के अस्त्र चलेंगे। रावण, अब सुरक्षित नहीं रहेगा तुम्हारा ये मृत्यु बाण, और ना ही तुम सुरक्षित रह पाओगे। जय श्री राम। ओम होम जूम सह। ओम होम जूम सह। ओम होम जूम सह। अब इसे लेकर मैं शीघ्र ही मेरे प्रभु के पास जाऊंगा, और तब प्रभु अविलंब वध कर देंगे इस राक्षस राज रावण का, और इसके साथ ही अंत हो जाएगा इस पाप के साम्राज्य का। रावण का ये मायावी पशु बड़ा ही भयंकर प्रतीत हो रहा है, किंतु विजय प्रभु के अस्त्र से निर्मित पशु की ही होगी, क्योंकि अधर्म कितना भी भयानक और बलशाली क्यों न हो, विजय सदैव धर्म की ही होती है। मेघ छट गए। अब दिखाता हूं तुम्हें वनवासी कि रावण है क्या। मुझे शीघ्र ही अपना कार्य संपन्न करके यहां से निकलना होगा। ये क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो हनुमान? क्या कर रहे हो? क्या
हल्का भी आश्रय लेने लगे हनुमान। धर्म की दुहाई देने वाला हनुमान अब चोर कंध पे उतर आया है। क्या ये अधर्म नहीं है? क्या सोच रहे हो हनुमान? जो तुम कर रहे हो वो उचित है क्या? क्या अधर्म से प्राप्त किए गए इस बाण को तुम्हारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु स्वीकार कर लेंगे? नहीं, प्रभु इसे कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान को ऐसा कार्य शोभा नहीं देता, अपराध है। मैं ये क्या करने जा रहा था? धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का आश्रय? उचित तो यही होगा तुम्हारे लिए हनुमान कि अधर्म मत करो, लौट जाओ यहाँ से। अधर्म तो रावण ने किया है देवी। इस मृत्यु बाण को यमराज से छीन कर मैं तो न्याय कर रहा हूँ। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है उसे कोई भी परिवर्तित नहीं कर सकता। मैं भले ही चोर कर्म कर रहा हूँ किंतु ये धर्म की रक्षा के लिए है। मैं अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ, अतः ये कदापि अधर्म नहीं है। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे हनुमान, अधर्म का कलंक भी लग जाएगा तुम्हारे मस्तक पर। हनुमान तो असमंजस में फंस गए, इस दुविधा से निकलना होगा हनुमान को। यदि हनुमान रावण का मृत्यु बाण लेकर नहीं गए तो इस युद्ध का अंत कैसे हो पाएगा? प्रभु श्री राम के प्रयास विफल होते जाएंगे। नहीं, प्रभु श्री राम कदापि अधर्म का साथ नहीं देंगे। मुझे ये मृत्यु बाण यहीं छोड़ना होगा। यमराज जी, आपके इस निर्मल धर्मराज रूप के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हनुमान, धर्म अधर्म की दुविधा में पड़ गए हो। हाँ धर्मराज जी। ये अधर्म नहीं है हनुमान, अपितु तुम तो इस बाण को उसके उचित स्थान पर पहुंचाकर धर्म संगत कार्य कर रहे हो। किंतु है तो ये चोर कर्म ही ना, इसे मेरे प्रभु कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान, धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है, इसीलिए तुम्हें इस बाण को प्रभु के संज्ञान में आए बिना ही उनके तुनीर में रखना होगा। इस प्रकार जैसे ही रावण के जीवन की अंतिम घड़ी आएगी उसका मृत्यु बाण प्रभु के हाथ में आ जाएगा। किंतु ये तो पूर्णतया धर्म के विरुद्ध होगा, प्रभु के साथ छल होगा ये। नहीं हनुमान, कोई छल नहीं, कोई धर्म के विरुद्ध कृत्य नहीं होगा ये। मैं धर्मराज तुम्हें अधर्म का कार्य करने को कैसे कह सकता हूं भला? हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों से मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। यमराज जी का कथन सत्य है, किंतु मेरे प्रभु श्री राम के लिए तो ये सर्वथा अनुचित और अधर्म ही है। क्या उनके बिना संज्ञान के ये कार्य करना अनुचित नहीं होगा? महादेव ने आखेटक का रूप धारण किया
एवं नंदी हिंसक शुकर बन गए और शीघ्र ही आखेटक शिव अपना धनुष बाण लिए शुकर का पीछा करने लगे। हिंसक शुकर भागते भागते उठत्ते की ओर आने लगा। भय के मारे उठत्ते के मुख से अकस्मात ही देवी आदि शक्ति का प्रथम बीज मंत्र प्रस्फुटित हुआ। एम, 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 एम। हे युवक, क्या तुमने मेरे आखेट को इस ओर आते हुए देखा है? चुप क्यों हो? बताओ, उस शुकर को आखेट करके मैं अपने परिवार के लिए आज रात के भोजन का प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें भी इसका पुण्य मिलेगा। बताओ, कहां छुप गया है वो शुकर? क्या करूं मैं? सत्य बोलता हूं तो एक जीव के प्राण की हानि होगी, और यदि असत्य बोलकर उस जीव की रक्षा करता हूं तो असत्य वाचन का दोष लगेगा, अधर्म होगा ये। फिर क्या किया उसने? उस दुविधा से कैसे मुक्त हुआ उतत्य? बुद्धिहीन होकर भी उसने उचित निर्णय लिया। शुकर उस ओर गया है। उस जीव के प्राण बचाने के लिए उतत्य ने असत्य बोला, तब तो वो अवश्य ही भोले बाबा की परीक्षा में असफल हो गया होगा। हनुमान, असत्य बोलकर भी उसने धर्म का पालन किया था। उतत्य के झूठ बोलने से आखेटक क्रोधित हो उठा। तुमने मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस कैसे किया? सब तो यही कहते हैं कि तुम कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हो। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मैंने असत्य बोला है, लेकिन मेरे छोटे से असत्य ने उस निर्दोष जीव के प्राण की रक्षा की है। मेरे इस छोटे से अधर्म से एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या, ये शुकर यहाँ वापस क्यों आ गया? महादेव, महेश्वरी, नंदी जी, आप सबके दर्शन से इस मूर्ख उतत्य का जीवन धन्य हो गया। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उठो उतत्य, भले ही तुमने मिथ्या वचन कहे किंतु कोई अधर्म नहीं हुआ है तुमसे। मेरी परीक्षा में सफल रहे तुम। मुझे दुविधा से उबार कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। तुम्हारा ये कृत्य संसार के समक्ष उदाहरण बनेगा कि असत्य संभाषण से यदि सबका कल्याण होता है तो वो असत्य धर्म नहीं होगा, और जिस सत्य से किसी निर्दोष का बुरा होता है वो सत्य होकर भी अधर्म कहा जाएगा। तुमने अपने असत्य से एक जीव की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया है उतत्य कि बड़े उद्देश्य बड़े कार्यों के लिए यदि छोटे नियम तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाते। मैं मूर्ख या जानू माता कि क्या धर्म क्या अधर्म? मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये मूर्खता नहीं, बुद्धिमानी कहलाती है उतत्य। और यही नहीं, तुम्हारे मुख से अनायास ही
मेरे प्रथम बीज मंत्र एम का प्रस्फुटन भी हुआ है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम मूर्ख उतत्य नहीं महामुनि उतत्य के नाम से जाने जाओगे। मैं कृत कृत हूँ माता, आप सबको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा कल्याण हो उतत्य। परिस्थितियों के अनुसार ही ये निश्चित होता है कि कौन सा कार्य धर्म संगत है और कौन सा अधर्म है, अर्थात इस धरती से अधर्म एवं पाप का बोझ उतारने के लिए अधर्मी रावण का अंत होना आवश्यक है और इसके लिए यहां से मृत्यु बाण को इस प्रकार ले जाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य पूर्णतः धर्म संगत है हनुमान, किंतु अभी भी एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब कैसी दुविधा धर्मराज जी? वो दुविधा ये है हनुमान कि प्रभु इस बाण को चलाएंगे कहां? हनुमान, रावण को ब्रह्मदेव से आशीर्वाद स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई है जिसे उसने अपने नाभि स्थल में धारण किया है। उसने नाभि स्थल को इसलिए चुना क्योंकि नाभि स्थल पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है। अतः मुझे संदेह है कि प्रभु युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये कार्य कदापि नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए धर्मराज जी? हनुमान, तुम्हें प्रभु के तुनीर में यह बाण तो रखना ही है, किंतु प्रभु जब बाण चलाएंगे तब तुम्हें इस बाण का लक्ष्य परिवर्तित भी करना होगा। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। बाल्यावस्था में ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे यही वचन लिया था। ऋषिवर अगस्त को भी ये ज्ञात था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त अमृत को रावण ने अपनी नाभि में छुपा कर रखा है। हनुमान, अब तो तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है ना? जब धर्मराज ने मुझे स्वयं इस संशय से निकाल लिया, ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे वचन लिया, तब कैसे मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पीछे हट सकता हूं? मैं प्रभु के तुणीर में यह बाण रखूंगा। समय आने पर इसका लक्ष्य परिवर्तन भी करूंगा। अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। विजय होगी। मेरे मेरे प्रभु श्री राम की विजय होगी। राम की विजय होगी। राम की विजय होगी। प्रणाम धर्मराज जी। सफल मनोरथ भव। ये क्या? ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं ये किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं है? शब्द विजय पर्याय कपीसा, बल अपार मुख तेज रवीसा, रावण दुष्ट का मृत्यु बाणा प्राप्त किए देखो हनुमाना। रघुनंदन रावण की लड़ाई अंत चरण हनुमत पहुँचाई,
ताज प्रभु के कपि किए पूरे, इनके बिना रघुराई अधूरे। ये हो क्या रहा है? इतने अपशकुन अकस्मात ही दिखाई देने लगे, कहीं कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं? नहीं नहीं, ये सब, ये शुभ शकुन, आज मुझे बड़े ही सुख का आभास हो रहा है। अवश्य ही ये अपशकुन अनर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रभु, प्रभु रक्षा करना मेरे स्वामी की। ये शुभ शकुन संकेत दे रहे हैं कि शीघ्र ही स्वामी अंत कर देंगे अधर्म का एवं अधर्मी रावण का। प्रभु, ये सत्य है कि मेरे स्वामी ने सदैव अधर्म का ही अनुकरण किया है, किंतु मैंने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं अपने धर्म की दुहाई देती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे सौभाग्य से दूर को मत उजड़ने दीजिए प्रभु। मंदोदरी, अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती हो तो सौभाग्य की समस्त सामग्री एकत्रित करो एवं उसे किसी ऐसी सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को अर्पित करो जो तुमसे या हमारे परिवार से संबंधित ना हो। कहते हैं कि यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री सौभाग्य सामग्री को स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष दे दे तो भाग्य का लेखा भी परिवर्तित हो जाता है। अब यही एक अंतिम उपाय शेष है, अन्यथा रावण के पापों का प्रायश्चित अब मात्र उसकी मृत्यु ही है। उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किंतु लंका की समस्त स्त्रियां तो विधवा हो चुकी हैं। सौभाग्यवती और हमारे परिवार की ना हो ऐसी कोई स्त्री तो शेष बची ही नहीं है लंका में। है, अभी भी एक स्त्री शेष है लंका में, कदाचित मेरे सौभाग्य से ही वो शेष बची होगी। कौन है वो, कहाँ है वो? अशोक वाटिका में, अर्थात देवी सीता। सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होने के कारण सीता सौभाग्य सामग्री को ठुकरा भी नहीं सकती, उसे तुम्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष देना ही पड़ेगा। और चूंकि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश है इसलिए उसके मुंह से निकला हुआ आशीष निष्फल नहीं हो सकता। किंतु सीता, मात्र सीता ही अब एक अंतिम आशा शेष है रावण के जीवन की रक्षा के लिए। अब इस राक्षस के जीवन की कोई आशा शेष नहीं है। इसकी मृत्यु का बाण प्रभु के तुणीर में पहुंच चुका है। हाँ, विभीषण जी ने बताया था इसके बारे में। भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। मैं जानता था कि आप कभी भी प्रभु श्री राम के काज में असफल नहीं होंगे। कुछ भी करके आप मृत्यु बाण को लाने में सफल अवश्य हो जाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व ही भैया राम इस मृत्यु बाण का प्रयोग अवश्य करेंगे। हाँ लक्ष्मण भैया,
आज के सूर्यास्त के साथ ही पाप का साम्राज्य भी अस्त होने वाला है। नारायण नारायण। अब प्रभु के हर एक वार के साथ ही अधर्मी रावण अपने अंत के निकट पहुंचता जाएगा। देखना, अब प्रभु निकालेंगे रावण की मृत्यु का बाण। Thank you.
मैं पूर्णतया सतर्क हूँ। ऋषिवर अगस्त को दिए हुए वचन एवं धर्मराज जी के सुझाव के अनुसार मुझे बाण का लक्ष्य परिवर्तन करना है। स्वामी का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। देवी सीता को ये सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीष लेकर ही रहूंगी मैं। कितने भी कष्ट सहूंगी मैं, परंतु अपने स्वामी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। देवी मंदोदरी, उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? नारायण नारायण, यदि प्रभु के मृत्यु बाण से प्रहार करने के पूर्व ही मंदोदरी ने देवी सीता को सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती भव का आशीष प्राप्त कर लिया तो मृत्यु बाण भी प्रभावहीन हो जाएगा, रावण की मृत्यु पुनः टल जाएगी। ये बाण मेरी मृत्यु के बाण के सदृश कैसे प्रतीत हो रहा है, जिसे कुछ ही समय पूर्व मैं स्वयं अपने राजप्रसाद में देख कर आया हूं। मैंने स्वयं अपने हाथों से अभी सुरक्षित किया था, वो मेरी मृत्यु का बाण इस वनवासी के हाथों में ना अवश्य ही कोई छल है, मुझे भ्रमित कर भयभीत करना चाहता है ये वनवासी। अनेक कष्ट उठाकर भी आपने पूर्ण निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। मेरे हृदय में आपके लिए अपार श्रद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने सदैव स्वामी के प्रत्येक अधर्म का विरोध किया है। देवी मंदोदरी, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं। मुझे ज्ञात है आप पूर्णतः निर्दोष हैं। देवी, एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है। आज मैं एक अभागन पतिव्रता अपनी व्यथा दूर करने के लिए आपसे एक याचना करने आई हूँ। सच्चे हृदय से आपको कुछ देने और आपसे कुछ लेने आई हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मेरी याचना स्वीकार करना आपके लिए असंभव है। रावण हूँ मैं, किसी भी छल और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। इससे पूर्व ये वनवासी कोई चतुराई दिखाए, उसके पूर्व ही मैं अपने सबसे घातक आसुरी अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे बाण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते वनवासी, और ये तुम्हारा मिथ्या बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मृत्यु इसके समक्ष खड़ी है, परंतु अहंकार से ढके इसके नेत्र इसे देख नहीं पा रहे हैं। प्रतीत होता है अब ये आवरण प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु के उपरांत ही हटेगा। देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सुहागन होने के नाते
आप ये सौभाग्य सामग्रियां स्वीकार नहीं करेंगी और रीति अनुसार आपको मुझे सदा सुहागन रहने का आशीष देना ही होगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया देवी मंदोदरी ने मुझे। मैं एक पतिव्रता सुहागन सौभाग्य सामग्री स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में मेरे स्वामी मंदोदरी के पति से ही युद्धरत हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण भी नहीं कर सकती मैं। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। अपने दुष्कृत्यों से धर्म का नाश करने वाले रावण, अब तुम्हारे सर्वनाश का समय आ गया। प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे। प्रतीक, मेरी सिंदूरदानी गिर गई। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी, तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। यही उचित समय है। नहीं बिखरने दूंगी इस सिंदूरदानी में संचित सिंदूर को, नहीं मिटने दूंगी अपने सुहाग की निशानी को मैं। हनुमान जी अब क्या करने जा रहे हैं? वो इस बाण को उचित दिशा देने जा रहे हैं। यदि हनुमान ने इस बाण को स्पर्श किया तो वो रावण वध में सहभागी बन जाएगी, जिससे प्रभु के एकाकी लड़ने का वचन खंडित हो जाएगा। बिना इसका स्पर्श किए इसके लक्ष्य में परिवर्तन करना होगा मुझे। बुद्ध नीति में बंधे रघुराई, ना भी पर ना बाण चलाई, मृत्यु बाण श्री राम ने साधी, अंजनी सुत उड़े बाण के पाछी, हनुमत युक्ति लगाई त्वरिता, बिन स्पर्श दिशा दी तीरा, तीर दशानन नाभि। जय श्री राम। वचन अगस्त कपी किए पूरा।
करो। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम। हनुमान जी सफल हो गए, बिना बाण को छुए ही उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। स्थल में स्थित अमृत मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मृत्यु तुम्हारी निकट पहुंच चुकी है। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण। अंत होगा तुम्हारा रावण। जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी, ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी, पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी निकट पहुंच चुकी है। मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। रावण, तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण दुष्कृत्य का प्रतिशोध उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी।
यह वनवासी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। We'll be right back.
इसके समीप जाना उचित नहीं होगा। संभव है ये भी इस दुष्ट की कोई माया हो। इसका शिथिल पड़ा शरीर, श्वास की मंद गति इसका संकेत है कि इसके प्राण अब छूटने ही वाले हैं। दशानन मरणासन है। स्वामी के जीवन दीपक की लो मंद कैसे पड़ गई? कैसे संभव है ये जब उनका मृत्यु बाण यही सुरक्षित है? ओम जोम शा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा, ओम जोम सोम स्वा। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये दुष्ट। अंततः धर्म ने अधर्म को परास्त कर ही दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट रावण के अधर्म युक्त कुशासन का सदैव सदैव के लिए अंत कर दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट का अंत कर दिया। धर्म की जीत हुई है, विजय हुए हैं हम। जय श्री राम। रुकिए, रुक जाइए आप सभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये कृत्य प्रभु श्री राम के सैनिकों को शोभा नहीं देता। युद्ध में पराजित योद्धा का सम्मान करना भी एक योद्धा का परम धर्म होता है। लंकेश के अधर्म और अहंकार हमारे वास्तविक शत्रु थे इस युद्ध में। उनका नाश होने पर उनसे मुक्त शूरवीर योद्धा रावण के मरणासन शरीर का अपमान सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब इन्हें वीर गति प्राप्त होने के पूर्व शांति पूर्वक इन्हें अपनी अंतिम श्वास लेने दीजिए। अधर्म की पराजय पर आनंदित होने के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार एक महाज्ञानी खो रहा है।
कुछ समय पूर्व मैं इनकी पराजय, इनकी मृत्यु की कामना के साथ युद्ध भूमि में इनके विपक्ष में खड़ा था, परंतु अब मुझसे इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं सही जाती? विभीषण जी, जैसा अभी हनुमान ने भी समझाया था, जिसके विरुद्ध आप युद्ध कर रहे थे वो एक अहंकारी अधर्मी है, परंतु अब जिसके लिए आप द्रवित हो रहे हैं वो आपका अग्रज भ्राता है, उनके लिए दुखी होना पूर्णतया उचित है, इसलिए जाइए विभीषण जी। रावण के अंत के क्षणों को व्यर्थ मत गवाइए, अपने भ्राता के इन अंतिम क्षणों को अपने भ्राता के साथ ही बिताइए। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, निस्तेज कांतिहीन मेरी अवस्था में आपको कैसे देखूं? आपको बारंबार समझाया मैंने, परंतु आपको अधर्म से रोकना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक और विभीषण जी के लिए यह क्षण घोर दुख और अवसाद के क्षण हैं, क्योंकि वो आज अपने अग्रज को खो रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी ओर ये अत्यंत शुभ और प्रसन्नता से परिपूर्ण पल भी है, क्योंकि अब शीघ्र ही प्रभु श्री राम से माता सीता का सुखद पुनर्मिलन होगा। देवी मंदोदरी की व्यथा ने मुझे व्यथित कर दिया है, दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल आज उन्हें और संपूर्ण लंका को भी भुगतने पर विवश होना पड़ा है, परंतु आज ये अस्त होते सूर्य देव की शुभ्र आभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अस्त नहीं उदित हो रहे हो, परंतु ये शुभ संकेत के बाद भी मेरे हृदय में आज के युद्ध को लेकर अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास से शुभ संवाद आने में इतना विलंब हो रहा है। आप निश्चिंत रहें देवी, प्रभु का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आपका कथन सत्य है त्रिजटा, परंतु आज मैं अनेकों आशंकाओं से ग्रस्त हूँ, कहीं ये शुभता लंकाधिपति के लिए तो नहीं, कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं। माता सीता तो बड़ी अधीरता से इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी, संभव है उन्हें ज्ञात भी न हो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मुझे इसी परिणाम का भय था भ्राता जी, आज आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही। दिगंबर विजेता मेरे प्राता श्री इस समय पृथ्वी पर समर्थहीन
निर्बल असहाय पड़े हैं। जिस अधर्म ने मुझे आपसे दूर किया, अब तो उसका परित्याग कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए। वो आपके सभी पापों को क्षमा कर आपको मोक्ष दान देंगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के शरणागत बनी। से मुख मोड़ रहे, ऐसा मत करिए भ्राताश्री। अब तो मेरा कहा मान लीजिए भ्राताश्री। अनेकों मायावी और वरदानी शक्तियों का स्वामी अहंकारी हठी रावण विजय प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए आज के युद्ध को लेकर मैं चिंतित हूँ। आपकी चिंता व्यर्थ है। इतने शुभ संकेतों के बाद भी आप चिंतित क्यों हो रही हैं? नहीं त्रिजटा, कभी कभी ये शुभ संकेत भी भ्रामक हो जाते हैं। देवी मंदोदरी का यहाँ से व्यग्र होकर जाने से मुझे आभास हुआ है कि यहाँ लंका में आज एक नवीन प्रारंभ होने वाला है। आज यहाँ एक निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। प्रणाम माता। यहां आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूँ माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रुधारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी, जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान।
परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता ऐसा ना कहें, मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूँ। माता मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता यहाँ आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया अब आप शीघ्र भाभी माँ को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में, इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशानन रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है? इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। प्रत्येक व्यक्ति में गुण और अवगुण दोनों होते हैं। ये सामने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो उसे पहचान पाता है या नहीं।